किन्नर समाज के जत्थे ने किए रामलला के दर्शन। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गुजरात के अहमदाबाद से किन्नर समाज का जत्था दर्शन करने रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जहां एक स्थानीय होटल में चौरसिया समाज के महामंत्री रमेश चौरसिया ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान सभी ने राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन किए। वहीं गुजरात से आए किन्नर समाज की विनीता सुमता ने बताया कि पहली बार हम लोग अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए हैं। राम जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की जनता बहुत ही अच्छी है। हम सभी अयोध्या की जनता के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने मोदी सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा भी की और देश प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को देख रही है। मोदी जी ने हम सभी किन्नर समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि 500 वर्ष का संघर्ष के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी किन्नर समाज उनको दुआ देते हैं। हम गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से। हम राम मंदिर यहाँ दर्शन करने आए, पहली दफा है अयोध्या में। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, राम जी का दर्शन किया। यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, सब इज्जत देते हैं, मान देते हैं, मर्यादा करके हम वो यहाँ आए। हमको बहुत आनंद हुआ दिल से। यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है और यहाँ की सब सुविधा अच्छी है। और यहाँ की पब्लिक को हम दुआ करते हैं, हर जगह माता रानी आपके फले फूले, आपके बच्चे जिंदा रहे, आप खूब आगे बढ़ो, ऐसी दिल से हम दुआ करते हैं ऑल ओवर गुजरात के लिए। विकास तो अभी धीमे धीमे विकास हो रहा, राम मंदिर बन गया। यहाँ पहले न्यूज में हमने देखा था बराबर इधर कोई विकास नहीं था, अभी हमने देखा हर जगह सब विकास हो गया, अच्छा हो गया। पब्लिक के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है कि राम भगवान हमारे लिए ही अयोध्या बस गए। अच्छा, 500 वर्षों का तो सपना पूरा ही हुआ। अब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ प्रभु श्री राम विराजमान हुए। अच्छा, आज दर्शन आपने किया, क्या मांगा? कुछ मांगा नहीं, हमने तो बस वही मांगा कि माता रानी सबका अच्छा करे और सबका भला करे। हम क्या मांग सकते हैं हमारे लिए, अपने समाज के लिए क्या आपने? हाँ, समाज के लिए दुआ मांगी कि माता रानी सबका अच्छा रखे और राम भगवान सबकी दुआ पूरी करे, सबके फले फूले। अच्छा, लोकसभा का चुनाव भी है। हाँ, पब्लिक को जैसा अच्छा लगे, अभी जो मोदी साहब है सब विकास करे, सब अच्छा करे, तो अभी तो सब पब्लिक देखती है कौन क्या करता है। अभी देखते हैं, कुछ बोलने से कुछ होता नहीं, पब्लिक बोलेगी देखेगी नहीं तो कुछ सुनेगी नहीं, लेकिन बोलेगे करोगे तो अच्छी बात है। पर पब्लिक देख ही रही कि मोदी साहब ने कितना अच्छा किया है, कोई हमारे लिए कुछ से कुछ गलत नहीं किया, तो जो अच्छा है सब पब्लिक देख ही रही है और पब्लिक वही करेगी जो अच्छा है। क्या माता रानी से हम तो वही दुआ करते कि मोदी साहब ही जाए। मोदी साहब ने हम किन्नर लोग के लिए भी बहुत अच्छा किया, हमारा कोई पहले प्रूफ नहीं था, अभी हमारा सब कुछ प्रूफ है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। हम तो वही दुआ करते मोदी साहब कुछ गलत भी नहीं, ऐसा नहीं, विकास करते, भले महंगाई बढ़ती तो इंसान के लिए विकास करते, इंसान पब्लिक लोग के लिए करते है और अपने गुजरात बहुत आगे बढ़ता है, विकास हो रहा है, वो अच्छी बात है। सब सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, कोई इंसान एक यूँ बोलता है, कोई यूँ बोलता है, लेकिन पब्लिक ज्यादातर जो विकास होता है अच्छा होता है तो वही वहाँ जाएगी, बोलने से क्या होता है। ये लोग तो चाहते अयोध्या आई है, क्या कहेंगी राम प्रभु राम के लिए? प्रभु राम के लिए अच्छा है, हमने दर्शन करे राम भगवान के, हमको बहुत अच्छा लगा। इतने साल बाद राम मंदिर अयोध्या पे बन गया, गर्व से यूं बोल रहे मोदी साहब को सलाम। कोई प्रभु राम पे कोई गीत या भजन सुना दीजिए प्रभु राम जी के ऊपर। कभी राम रूप में आना, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, प्रभु जी चले आना। क्या नाम आपका? मेरा नाम वनीता सुनीता दी। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।